तो आज हम आए हैं हुसैनाबाद, यहाँ पे क्या करने, हापा करने, हापा करने। भाई शुरुआत हम जो है अरबी पराठे से कर रहे हैं। अरबी पराठे में इन्होंने सबसे पहले चिकन भरी हुई है और वेजिटेबल्स और पता नहीं चीज इसमें नहीं है, पर जो दूसरी जगह हमने देखा है वहाँ पे फ्लेवर जो आ रहा है ना, फ्लेवर आ रहा है जबरदस्त। खास बात चटनी है ना, चिकन जो है तुमने धूप मिलकर भरी हुई है, पहले भी हिट आ रही है। आप इसको टेक्स्चर देखें, ये जो यहाँ पे गुलाब बनाने में इतना वो प्लेटेंटिंग नहीं है, इतना ही खाने में। यानी आपकी क्या रेटिंग है? 9 out of 10 बेस्ट रेटिंग, मेरे हिसाब से 10 out of 10 8 बंद कबाब का रिव्यू, ट्राई करते हैं फिर रिव्यू। बंद कबाब के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक पैटी है, प्याज है और थोड़ी चटनी है, बस सही गेम ही चटनी की। उन्होंने इसको ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया है, ये अपना अरबी पराठा, क्योंकि एक तो रमजान की भी आमद है और इसी वजह के यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा टेस्टिंग के तौर पे कस्टमर को चेक भी करवाते हैं, जो शौकी नजरात है वो खाते हैं, वो बताते भी है कि कैसा लगा। जहाँ तक अरबी पराठे की बात है तो उसको मैं दूंगा 10 on 10, ज्यादा बंद कबाब की बात है मैं उसको दूंगा 6 on 10। अरे वैसे अरबी अरबी क्या है, अरबी पराठे के बेस्ट। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आगे माशाल्लाह पे माशाल्लाह वाला अरबी पराठे। तो अभी हम आए हुए हैं एम सुभान खाउसा में, खुद पहली बार तो मैंने कल देखा था उसका डैनियल शेख का ब्लॉग, तो उसमें भी खाउसा वो खा रहा था, पर मुझे समझ नहीं आई ये तो मुझे पता है कि मेमनी डिश है ये, मेमनों से थोड़ा इनका रिलेशन, पहले कभी नहीं खाया। पर मुझे ये हो रहा है कि वो नूडल्स होते हैं और उसके ऊपर कड़ी होती है, उसके ऊपर कड़ी यार मुझे वो कर दी है, कड़ी नहीं डलवा रहे तो फिर खाएंगे कैसे कड़ी के बगैर, बगैर कड़ी कैसे डिश तो जो है वो मुकम्मल अच्छी लगती है। वो तो मैं कड़ी डलवा रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम यार, ये कड़ी मुझे असल में कड़ी ना पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गार्लिक फ्राई करके फ्राई पता नहीं क्या किया मैं गार्लिक को, उसका यानी सारे पैसे ही उसके, उसका एक मखसूस हिट आ रहा है। मैं खाऊंगा तो देऊंगा रेटिंग 7 out of 10 बिकॉज क्योंकि कड़ी बहुत ज़्यादा है, कड़ी मुझे पसंद है पर इतनी नहीं है, नॉर्मल भाई। मैं तो दूंगा 5 out of 10 नॉर्मल है, 7 out of 10 मेरी तरफ से। इससे अच्छी कड़ी मेरी अम्मी बनाती है वाकई। पर यार इसमें गार्लिक जो है ना खाया पैसे का फ्लेवर ही एक, हम जो खाओ सर को पार्सल करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर नहीं खाया जा रहा हमसे बिल्कुल भी, घर जाएंगे जाइलो की तरह खाएंगे इसको, तो कपड़ों पर गिरा इधर उधर गिरा है, ये बेहतरीन बेहतरीन डिश है वो देख। ओह नो भाई इसमें रहना मजबूरी, हमें घर जाए खाना पड़ेगा, क्या डिश दीजिएगा तो हम पार्सल कर जाएंगे। भाई डेली एक है मशहूर गोलगप्पे हम खाने के लिए आए हुए, और गोलगप्पे सादे ये कोई हल्के वाले हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट में आपको कैसे हो सकता है कि कोई हल्की चीज़ हो, ये गोलगप्पे बनते हैं और मीठे गोलगप्पे बेहतरीन। अभी हम आए मशहूर गोलगप्पे हमारे जो हैं वो आ गए, अभी हम खा गए। चलो भाई स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह करो। तुम दोनों इसमें खा लो, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा हो गया था। गोलगप्पे अच्छे अच्छे होते हैं, पर इसमें क्या है मीठा ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा भाई ने कड़क कर देना, इतना बोला था अलग है यार, तुमने सारे रेड मरवा दिया हमारे गोलगप्पे के। मीठा अगर इसमें थोड़ा कम होता ना तो गोलगप्पे बेस्ट बोल, और हम इसको रेटिंग देंगे क्या रेटिंग दोगे आप, अगर मीठा इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट होता ये ज़्यादा ना करवाता तो हम देते 9.5 out of 10 मुझे। यानी गोलगप्पे तो यार गोलगप्पे तो जाने यार, गोलगप्पे तक खा रहे नहीं आते यार हालत तुम लोग, चम्मच से गोलगप्पे खा रहे हैं। गोलगप्पे पता है कैसे खाते हैं, ये पकड़ो यूँ वो डुबो, गोलगप्पे खाना अगर एक आर्ट है तो आपका भाई आर्टिस्ट है। हाँ पता बेस्ट गोलगप्पा है, ऑप्शन दीजिए तब बेस्ट 8 out of 10। तो भाई इस वक्त आए हुए हैं हम चिली फ्राइज पे, चिली फ्राइज पे हम क्यों आए हुए हैं सजाद भाई, पिज़्ज़ा फ्राइज खाने के लिए, पिज़्ज़ा फ्राइज खाने, पिज़्ज़ा फ्राइज। अच्छा सजाद भाई के असल में ना वो दिल हो रहा है क्योंकि रात से हमें ये बोलते हुए हैं एक कराची चलो तो हमें पिज़्ज़ा फ्राइज खाना है और एक अरबी पराठा, अरबी पराठा दिया मुझे तो नहीं पता, अरबी पराठे का भाई ने बताया
और खाउसा का भी भाई ने बताया, खाउसा का हमें बताया हाँ, पिज्जा फ्राइज पर भी अभी रास्ते में कहा है कि पिज्जा फ्राइज भी ट्राई करेंगे, पिज्जा फ्राइज ट्राई करेंगे, देखते कैसा है। अच्छा तो पिज्जा फ्राइज जो है हमारी आ चुकी है और सबसे पहला बाइट सजाद भाई लेंगे और हमें बताएंगे कि इनकी नज़रों में क्या है पिज्जा फ्राइज, क्योंकि आज से पहले इन्होंने पिज्जा फ्राइज खाई नहीं है, खाई नहीं है, फ्राइज बहुत खाई है, पिज्जा खाया है, पिज्जा फ्राइज साथ नहीं खाई, ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूज हो गया, दिखने में तो बहुत ज़्यादा लग रही है, हम सच्चाई में लोग दिखाते हैं। अबे निक कीचा खाली क्या सर, फ्राइज का अलग टेस्ट आ रहा है, पिज्जा का अलग टेस्ट आ रहा है, पिज्जा के ऊपर जो टॉपिंग होती है ना सेम वही टॉपिंग है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा एक हकीकत बात बताऊँ, मैंने भी पिज्जा फ्राइज जो है ना एक दो मरतबा ही खाई है, उसमें भी यानी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था टेस्ट का इसका, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम भैया हमारे मेहरबानी, हम तो ठंडी करें खा रहे हैं, हमें जल्दबाजी है ही नहीं। ओके ओके दो दस सही है, जैसा सोचा था मैार पे नहीं उतरी पर बेहतर। अच्छा बंद पाप तो आप लोगों ने बहुत सारे खाए होंगे पर एक अलग चीज़ और एक बंद कबाब का एक मिक्सचर, एक है दिल्ली वाला बंद कबाब, मुझे पता है आप लोगों को यही लग रहा होगा कि हम उसी जगह पे बैठ के फ्राइज खाएँ, उसी जगह पर बैठ के बंद कबाब खा लें, तो एक जगह की दो चीज़ अच्छी नहीं होती मुझे पता है, पर ये कहीं और से हम लेकर आए थे तो हमने सोचा यहाँ बैठ के खा लें फ्राइज खा के, अब बंद कबाब खाएँ। बंद कबाब के अंदर क्या है, बंद कबाब जो है कलेजी वाला बंद कबाब, नासिर कलेजी बंद कबाब खाया नहीं है, और ये नहीं कि मैं फुल अशक्ति करा रहा, खाया नहीं, खाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि कलेजी जो है तुम दोनों को पता है कलेजी मेरा फेवरेट फूड था, कलेजी मेरा फेवरेट फूड था और क्यों नहीं है इसके पीछे भी एक साइंस है वो बताऊँगा, अभी कलेजी वाला बंद कबाब आ गया हमारा। इनका अपना सॉस है और बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर खीर की चटनी का है, अगर चटनी के साथ नहीं खा रहे ना आप तो इसका मतलब आप खाना खा ही नहीं दे, और ये खुद बनाते हैं अपने घर में चटनी का, हर बंदा एक दूसरे की चटनी के तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। उमेर भाई की ये हेल्थ है, मैं उमेर भाई को बोल नहीं देता तो बोल दे, कभी भी कोई वीडियो बना रहा होता ना हमको बोलता है ओपिनियन दो, हम देते हैं तो बीच में वो एक तरह वो टांगा डाल देना। कलेजी वाले बंद कबाब को कितने मार्क देंगे आप? कलेजी में 8/10। कलेजी में फेवरेट फूड था तो इस वजह से कुछ मोहब्बत किया है, मैं इसको 8.5/10 देता हूँ। 5/10 तुम दोनों को इन दोनों को बताएंगे क्यों नहीं चलाया, तब मुझे तो बेस्ट लगा बंद कबाब और कलेजी का जो मिक्सचर था ना वो एक नया ही हीट दे रहा था। खाना खा के हमारे जो पेट है ना जवाब दे दिया, सजाद भाई तो कहते हैं या तो हमें कुछ मीठा खिलाओ या तो हमें गर्म पहुँचाओ, हमारे पेट का दिमाग ख़राब हो तो सजाद भाई के पुलिस पे हम आए हुए हैं दुबई अमरेला पे लिमका पीने, लिमका पीने अमरेला के व्यू बहुत प्यारे हैं और यहाँ के बहुत बेहतरीन शशके हैं। अब आप लिमका बहुत सारे लिमके, अच्छा लिमके की वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लिमके वाले बहुत सारे और हम इसी वजह से क्यों आए क्योंकि यहाँ की जो वाइब है ना बहुत बेहतरीन है, अभी लिमका पियेंगे उसके बाद उसका भी रिव्यू देंगे, टेंशन नॉट भाई। हमारा जो है लिमका ब्लूबेरी आ गया है, चल लिमके तो यार बहुत जगह भी हैं पर अब देखते हैं यहाँ का पी के कैसे। उमेर आपकी क्या तस्वीर है लिमके के बारे में? बहुत आला पिया गया है, नहीं बहुत आला एक सी पिया है मैंने, बस ऐसा लगेगा ठंडक आ गई। 80 रुपीज में अगर आपको एक नई जिंदगी मिलती है ना तो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है क्या तुम्हारे साथ ले लो। This was my day along with my friend और इतनी वैरायटी का खाना आज से पहले मैंने नहीं खाया, बेस्ट ना लाइफ गिविंग वो लिमका ही था, वो हमें जिंदगी मिल गई, हमें एक नई जिंदगी मिल गई। उमेर भाई ने बहुत सारे मैं सब्सक्राइबर बढ़वाया रास्ते में तो सब्सक्राइब करें, जो पसंद आएगा तो शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और हाँ धन्यवाद आएँ और खाएँ और जाएँ।